बाइक पर आए थे अराउंड सुबह 5 बजे और वो हवा में फायरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहां से वो भागे, तो हमने उसके हिसाब से एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कितनी राउंड टोटल फायरिंग की गई और क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ? वहाँ 4-5 राउंड फायर हुए थे, हवा में फायरिंग की गई थी और उसके हिसाब से खाली केसेस मिले हैं और फॉरेंसिक टीम्स हमारी सब है और हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें कुल कितनी टीम तो बनाई गई, क्या अपडेट है सर? हमारी 15 से ज्यादा टीम्स बनी है और हम आरोपी को जल्दी ढूंढेंगे, उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या कुछ पता चल पाए कौन लोग थे, कहां से आए थे, उनके बुलेट कौन सी, बंदूक कौन सी थी, कहां से कुछ पता चल पाए? जी फिलहाल आरोपी अभी तक नहीं मिले हैं, हमारी टीम्स लगी हुई है, जब वो मिलेंगे तब हम बता सकते। कुछ मकसद पता चल पाया सर, क्या वजह थी इसके पीछे फायरिंग कर ली, कुछ वजह पता चल पाया? जी फिलहाल हम नहीं बता सकते इसके बारे में, बट आरोपी का मिलना उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं अभी, और जब मिलेंगे देन वी विल नो मोर। क्या इस घटना में कोई फायरिंग, कोई घायल हुआ जिस प्रकार से फायरिंग की गई? जी इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, हवा में फायरिंग की गई। कितने लोगों का बयान दर्ज किया इसमें सर आपने? क्योंकि हालांकि मामला सलमान खान के सलमान खान से लेके तब तक कितने लोगों का? जैसे टीम्स लगी हुई है जहां पर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से इंट्रोगेशन स्टेटमेंट्स हो सके हो रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि हमने देखा इसके पहले सलमान खान को धमकी भरा मामला कॉल आया था, थ्रेड आया था, क्या उस एंगल से बात हो रही है? वो पहले का फैक्ट है, अभी रिसेंट जो आज का केस है उसके लिए कुछ भी ऐसा अभी रिकॉर्ड पर नहीं है। जब ये फायरिंग हुई क्या सलमान खान इनके फैमिली वहाँ पर मौजूद थे घर में जब ये फायरिंग की गई? ये उनकी टीम बेटर बता सकती है। क्या अब तक मामला दर्ज है सर? हाँ मामला दर्ज होने के प्रोसेस में। चौबीस घंटे चुनाव मोड में है, हाँ कभी दिल्ली में है, कभी चुनाव प्रचार सभा में है, कभी अपने विरोधियों को खत्म करने के वो षड्यंत्र में बैठे रहते हैं, कौन देखेगा कानून व्यवस्था? बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है यूसीसी और बाकी बातों को लेकर, और आपने कहा मांस मच्छी की बात, मांस मच्छी की बात करते हैं वोट मांगने के लिए, विकास के ऊपर बात करिए ना। 10 साल आपने राज किया है तो 10 साल आपने क्या किया उस बारे में जनता को बताइए और वोट मांगिए। हमारे विरोधी मटन खाते हैं इसलिए वोट मत देना, हमारे विरोधी मछली खाते हैं वोट मत देना, आप खाओ ना, आपको किसने रोका है? संविधान ने आपको भी खाने पीने का अधिकार दिया है जो हम सबको है। चलो हमारे आर्मी को कहेंगे आप मांस मछली मत खाइए नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ये कुछ भी करते हैं।